दोस्तों, ये है हाजी मस्तान का घर। मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान इसी घर में रहा करता था। देख सकते हो पीछे जो घर दिख रहा है ना, ये बंगलो, हाजी मस्तान एक टाइम में यहीं पे रहा करता था अपनी पूरी फैमिली के। देखो गाइस, ये है बिल्डिंग जो कि मुकेश अंबानी का, मुकेश अंबानी के बिल्डिंग। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द विथ अनदर ब्लॉग। सो गाइस, मैं आज एक ऐसे व्यक्ति का घर दिखाने वाला हूँ जो पूरी मुंबई पर राज किया करता था एक समय में। आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ अंडरवर्ल्ड हाजी मस्तान जी का घर। हाजी मस्तान की जो कहानी है किसी फिल्म से कम नहीं है। शुरू होती है हाजी मस्तान की 1926 में। दोस्तों, हाजी मस्तान जब भी मुंबई में आया था ना, तो एक अपना सपना लेकर के आया था। अपने अब्बू के साथ जो है पंचर की दुकान पे वो रहना चाहता था, लेकिन उसको बहुत ही ज़्यादा मजबूरी थी खाने पीने की। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हुआ करती थी उसके घर में। रहने के लिए उसको घर नहीं था। आज के समय में उसका करोड़ों का बंगला जो है प्रॉपर्टी बहुत ही जगह, तमिलनाडु में भी उसका अभी भी घर जो है मौजूद है। मुंबई में ये वाला जो घर आप लोग को दिखाने वाला हूँ, ये काफ़ी बड़ा बंगला है जो कि अभी शायद से इसके अराउंड 100 करोड़ प्राइस है। आप लोग को ले कर चलूँगा, वहाँ पर दिखाऊँगा, पूरा हिस्ट्री जानेंगे कैसे हो इतना बड़ा क्रिमिनल बना। आज के समय में उसका नाम जो है चर्चित। खान गैंग और वर्दा गैंग जो कि दोनों मिल करके काफ़ी बड़ी बड़ी चोरियाँ करते थे, जैसे काफ़ी जेवर वगैरह बहुत ज़्यादा चोरी किया करते थे एक समय वहाँ पर। जैसे धीरे धीरे उसकी लंबाई बढ़ती गई जैसे जैसे वो चोरियाँ करता गया। आज के समय में यहाँ पर करोड़ों उसका प्रॉपर्टी है जो कि काफ़ी लग्जरियस उसके घर है, होटल्स है। आप लोग को मैं इस वीडियो में पूरा आप लोग को दिखाने वाला हूँ, उसके घर पर लेके चलने वाला हूँ कैसा दिखता है पूरा। सफर करते हुए उसकी जो है कूली से दोस्ती हुई, वहीं से उसकी शुरुआत होती है कहानी की। कूली बनते बनते वो धीरे धीरे छोटी मोटी चोरियाँ करने लगता था ट्रेन में। धीरे धीरे वहाँ पर जाते जाते इधर से उधर सामान उसका निकालता था ट्रेन का, और धीरे धीरे वो जो है पूरे मुंबई पर राज करने लगा था। काफ़ी उसकी जो कहानी है गहराई है से आप लोग को लेके चलता हूँ, उसका घर दिखाता हूँ कहाँ पर है और कैसे अपना जीवन जो है कैसे व्यतीत करता था। चलिए गाइस, वीडियो को देखो। गाइस, ये है बिल्डिंग जो कि मुकेश अंबानी का, मुकेश अंबानी के बिल्डिंग के सामने ही ये वाला जो रोड है ना, ये चला जाता है हाजी मस्तान के घर पर। और यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है, देख सकते हो, काफ़ी देखने में भी बेहतरीन लगता है। और यहाँ पर ये लोधा बिल्डिंग है, ये है मुकेश अंबानी सर का। दोस्तों, ये वाला जरूर चला जाता है ना, ये चला जाता है हाजी मस्तान के घर पे। हाजी मस्तान एक समय में यहाँ पर ना अपना बसेरा डाला करता था, अपने गैंग के साथ यहीं पर वो गुंडागर्दी किया करता था। देख सकते हो गाइस, यही वो घर है जिससे हाजी मस्तान यही रोड से जाया आया करता था। आज के समय में जो है रोड ये वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पर काफ़ी बिजनेसमैन जैसे सेलिब्रिटी बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। इसके सामने चले जाओगे ना, तो यहाँ से ये चला जाता है सीधे के साइड में अंटेलिया हाउस, जो कि काफ़ी बड़े दिग्गज जो कि बिजनेसमैन मुकेश अंबानी सर का यही सामने ही घर है, अंटेलिया हाउस। और ये जो रोड, ये वाली जो घर दिख रहे हैं, ये है हाजी मस्तान का। चलिए आप लोग को ले कर चलता हूँ आगे की साइड में, दिखाता हूँ कैसा दिखता है। चलिए आप लोग को पूरा अंदर से भी वीडियो आप लोग को दिख। दोस्तों, मैं उस गली में आज चल रहा हूँ जहाँ से एक समय हाजी मस्तान इसी गलियों से आता जाता था, इसी सड़कों से आते जाते रहता था। यहीं पे उसका काफिला जो है चलते रहता था। आज के समय में देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह का दिखता है। दोस्तों, मैं फाइनली पहुँच गया हूँ हाजी मस्तान के घर पे। देख सकते हो, ये मेरे पीछे जो घर दिख रहा है ना, ये बंगलो, हाजी मस्तान एक टाइम में यहीं पे रहा करता था अपनी पूरी फैमिली के साथ। देख सकते हो गाइस, यही वो बंगलो है जिसमें हाजी मस्तान अपनी पूरी फैमिली के साथ रहा करता। दोस्तों, हाजी मस्तान की कहानी जो शुरू होती है 1926 में। हाजी मस्तान तमिलनाडु का रहने वाला था। हाजी मस्तान 8 साल की उम्र में ही 1934 में मुंबई पहुँचा था। मुंबई में हज पर जाने वाली यात्रियों के लिए बने मुसाफिर खाने ठीक बगल में ही हाजी मस्तान के वालिद ने, यहाँ पर देख सकते हो यही वो जो सीढ़ी है, यहाँ पर ये चला जाता है मुकेश अंबानी सर के घर के पास। और यहाँ से भी आप जा सकते हो, यहाँ से आपको दूर पड़ेगा, ये देख सकते हो यही वो बंगला है जिसमें हाजी मस्तान अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता, यानी पूरे परिवार के साथ रहता था। और काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज अभिनेता अभिनेत्री इसके घर पर हाजिरी लगाने, यानी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते रहते थे, यानी जो है मिलने के लिए। तो हाजी मस्तान यहाँ पर काफ़ी बड़ा गुंडा बन चुका था। 8 साल की उम्र में ही ये जुर्म की दुनिया में मतलब चले गया था। यहाँ पर देख सकते हो ये है सीढ़ियाँ, यही सीढ़ियाँ से अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े दिग्गज अभिनेता, महान अभिनेता जैसे अमिताभ, एक समय में इसी बंगलों के पास बड़े बड़े दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन जैसे, और जैसे धर्मेंद्र जितेंद्र और
अमरीश पुरी जैसे बड़े बड़े दिग्गज अभिनेता जैसे दिलीप कुमार साहब हुए, यहाँ पर आते रहते थे उनसे मिलने के लिए। ये वही बंगला है जिसमें हाजी मस्तान अपनी पूरी परिवार के हाजी मस्तान ने इस घर के पीछे जो है एक गार्डन बड़ा सा बनवाया था, जिसमें शाम के टाइम वो उसी गार्डन में बैठा करता था अपने जो है क्रिमिनल्स जो कि उनके जो पार्टनर लोग थे कूली, उसी से बात करने के लिए गार्डन में जाया करता था। अब अपने पूरे पार्टनर को यहाँ पर बुलाता था इसी घर में। आज के टाइम पर ये घर जो है वीरान पड़ा हुआ है, इस घर में अभी कोई रहता नहीं है। यहाँ पर देख रेख के लिए यहाँ पर एक जो है अंकल जी रहा करते थे, मेरा उनसे बात हुआ तो उन्होंने बताया कि अभी तो कोई यहाँ पर उनका पूरा फैमिली वगैरह नहीं रहता है, ये जो है अभी मतलब बिकने के कगार पर आ चुका है। देख सकते हो गाइस, यही वो बंगला है जिसमें हाजी मस्तान एक समय में यहाँ पर जो है एक हाजी मस्तान मुंबई का अंडरवर्ल्ड सबसे ताकतवर डॉन था, लेकिन इस शक्तिशाली डॉन ने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी की जान नहीं ली, किसी पर हमला नहीं किया ये, और यहाँ तक कि ये अपने हाथों से गोलियां नहीं चलाई, यानी पिस्तौल भी नहीं पकड़ा था ये अपने हाथों से। हाजी मस्तान मुंबई का एक ऐसा तस्कर था जो अपने देश के लिए काफ़ी ऊँचाइयों को लेकर जाना चाहता था, और वह अपना समाज बढ़ाता गया और उसकी जो है नज़रें गुजराती पोर्ट पर पड़ी थी, और वह चाहता था कि उसका समाज जो है अरब देशों तक जाए, लेकिन इसके पहले वो अपनी जड़ जो है मुंबई पर मजबूत करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बहुत ही बड़े बड़े दिग्गज अभिनेता अभिनेत्रियों के साथ ये बैठक करने लगा, और उसी चक्कर में जो कि उसी दौर में इसको जो है मधुबाला पसंद आ गई, यानी मधुबाला से ये प्रेम करने लगा। तो ये वाला जो आप लोग को रोड दिख रहा है ना, एक समय में हाजी मस्तान यहाँ पर गुंडागर्दी किया करता था। आज के समय में ये जो रोड है काफ़ी शांत पड़ा हुआ है, यहीं पर वो हाजी मस्तान अपनी पूरी गैंग के साथ रहता था। देख सकते हो गाइस, यहाँ पर ये रोड जो है काफ़ी सुनसान बना हुआ है, यहाँ पर काफ़ी ये जो कि बड़े बड़े लोग दिग्गज अभिनेता अभिनेत्री जैसे बिजनेसमैन मुकेश अंबानी का भी यहीं पे घर है। ये चला जाता है पीछे के साइड में, और यहाँ से आप सीधा जाओगे यहाँ पर तो अंटेलिया सामने ही दिख जाएगा आप लोग को, 500 मीटर की दूरी पे ही है। तो गाइस, आज के समय में यहाँ पर ऐसा कुछ दिखता है, जब ये हाजी मस्तान यहाँ पर रहा करता था ना तो कुछ माहौल जो है कुछ अलग टाइप का ही रहता था, लोग जो है बाहर निकल नहीं पाते थे। आज के समय में लोग यहाँ पर आना जाना पसंद करते हैं। देख सकते हो आसपास का माहौल जो है काफ़ी शांत पड़ा हुआ है, यहाँ पर काफ़ी सेलिब्रिटी दिग्गज अभिनेता जैसे बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी रहते हैं। सामने ही आप लोग को एंटेलिया मिल जाएगी ये साइड में, देख सकते हो यहाँ पर कुछ आज के समय में ये माहौल है। पहले यहाँ पर गुंडागर्दी अपना जो है एक बसेरा बना चुका था हाजी मस्तान। ये वाली जो रेड वाली दिख रही ना, यहीं पर हाजी मस्तान, यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये साइड में बहुत सारे जो कि बिल्डिंगें वगैरह बन रही है। हाजी मस्तान के घर के बगल में भी एक बिल्डिंग बन रही है। आपको हाजी मस्तान का घर देखना है ना तो आप सोफिया कॉलेज यहाँ पर आ सकते हो। देख सकते हो गाइस, ये ही सोफिया कॉलेज लेन, जो कि सामने ही कॉलेज है, और यहाँ से सीधे चला जाता है जो कि हाजी मस्तान के घर पे। यहाँ पर देख सकते हो ये साइड का माहौल जो है कुछ ऐसा है, और पीछे साइड में आना चाहते हो तो ये साइड से भी आ सकते हो, बट आपको अगर जल्दी आना है तो आप अंटेलिया हाउस से सीधे हाजी मस्तान के घर पे आ सकते हो, और किसी से भी पूछ सकते हो। सोफिया कॉलेज जो है यहाँ पर सामने ही है, इसके बगल में ही ये हाजी मस्तान का घर है। देख सकते हो गाइस, आज के समय में कुछ इस तरह का दिखता है, एक समय में यहीं पर हाजी मस्तान अपना पूरा बसेरा किया करता था। हाजी मस्तान 8 साल की उम्र में ही आ गया था मुंबई, जो कि तमिलनाडु से, और मुंबई में अपना सपना लेकर के आया था, चलो अपने पिताजी के साथ या अब्बू के साथ जो है अपना जो है पंचर बनाऊंगा और दो रोटी मिलेगा, और काफ़ी वहां पे जो है हीरो लोग रहते हैं उनको मैं देखूंगा। अमीर बनने के लिए अरमान में मन पाले हाजी मस्तान ने कुछ भी इस तरह का काम शुरू मतलब करने के लिए सोचा नहीं था कि मैं इतना बड़ा तस्कर बनूंगा और इतनी बड़ी बड़ी चोरियां किया करूंगा। इसी दरमियान उनकी मुलाकात होती है अरब शेख मोहम्मद जो कि अल गालिब से। उनके जब भाप लिया कि मस्तान ने काम आ सकता है, तभी वो शेख अरब मोहम्मद ने सोचा कि हाजी मस्तान मेरे काम आ सकता है, तभी वो कुछ सोने की बिस्किट घड़ी, महंगी घड़ियां जो है, और प्लास्टिक की कुछ रजिस्टर की पोर्ट से बाहर मतलब भिजवाने लगा था। इसके वजह मतलब जो है काफ़ी मतलब अच्छी रकम मिल जाती थी। एक दिन गालिब गिरफ्तार हो गया, उसके कुछ दिन पहले उसने मिर्जा को सोने की बिस्किट का एक बक्सा दिया था, जिसने मिर्जा ने अपनी झोपड़ी में छुपा कर रखा था, और गालिब जब छूटकर आया तो मिर्जा ने उसे जो कि उसका बक्सा वापस कर दिया। इतना खुश हो करके जो
फिर शेख मोहम्मद ने बोला कि ये बिस्किट जो है आप बेच दो, जितना भी रकम मिलेगा उसमें से मुझे आधा दे देना। तभी इसकी जो है तस्कर की और लत लगी और ये आगे बढ़ते गया और शेख मोहम्मद जो है इसको आगे बढ़ाते गए। यही कुछ इसकी कहानी है, अमीर बनने का ये सपना लेकर के आया था और काफ़ी ये जो है उससे दुगुना अमीर बन गया था। मस्तान ने 1981 में जो है एक पार्टी बनाई थी, दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ। यह एक भारत की राजनीति में पहला प्रयोग था, जब भी मतलब जब दलितों और मुस्लिम के राजनीतिक गठजोड़ के मतलब सोचा नहीं था कि इतना बड़ा मैं पार्टी भी बनाऊंगा। और ये काफ़ी मतलब जो है बोल सकते हैं कि ये दिलचस्पी इसकी कहानी है, फिल्म से कम नहीं है और ये बहुत ही दिल का भी अच्छा। दौर था 1970 का। हाजी मस्तान के साथ कई और कुलिये भी सोना मतलब चांदी की तस्करी में जुट गए। हाजी मस्तान का जो है धीरे धीरे धंधा और बढ़ता गया। मस्तान के साथ अशरफ रहमान उर्फ अल्लू जो कि और मोहम्मद नूर उर्फ नूरा 28 जो कि भी सोना चांदी की तस्करी करते थे और काफ़ी इसका जो है बड़ा गैंग बना। इसकी दोस्ती फिर दाऊद इब्राहिम से हुई और बड़े बड़े करीम लाला जैसे वर्दा गैंग, इसकी जो है दोस्ती बढ़ती गई और ये मुंबई का सबसे पहला अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया। और ख़ास कर ये बाहर निकल जाते थे, करीब 20 लोग इस हाजी मस्तान दिल का बहुत साफ था, लेकिन वो गरीबों का मसीहा भी कहा जाता था। गरीब को शादी करवाना और गरीबों से मिलना इसका बहुत ज़्यादा मकसद हुआ करता था। और हाजी मस्तान अपने देश को जो कि किसी नशीले पदार्थ से हानि नहीं पहुंचाता था, ये सोना चांदी का ही तस्कर किया कर। गाइस ये वाला ब्लॉग ना यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक ले बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। जय हिंद। अगर